हेलो दोस्तों स्वागत है आपका औके कार ट्वेंटी फोर सेवन में आज की इस वीडियो में नई हिंडा आई ट्वेंटी का मैगना वेरिएंट और अल्ट्रॉज के हाल ही में लॉन्च हुए एक्सएम प्लस वेरियंट को हम कंपेयर करेंगे इसमें आपको बताएंगे इन दोनों ही गाड़ियों के प्राइजेस साइज इंजन स्पेसिफिकेशंस कॉमन फीचर्स और यूनिक फीचर्स के बारे में इस वीडियो में हमने इन दोनों ही गाड़ियों के बेस पेट्रोल वेरियंट को ही लिया है तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की इन दोनों ही गाड़ियों के प्राइजेस के साथ नई हिंडा आई ट्वेंटी मैगना वेरियंट पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन में दिल्ली एक्शरूम प्राइसेस के हिसाब से छः लाख अस्सी हज़ार रुपये की मिलती है जो कि आपको ऑन रोड सात लाख छिहत्तर हज़ार रुपये की पड़ जाएगी वहीं अल्ट्रॉस का एक्सएम प्लस वेरिएंट जो हाल ही में लॉन्च हुआ है इसका पेट्रोल वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन में एक्शरूम प्राइस छः लाख ,00 साठ हजार रुपये का पड़ता है जो आपको ऑन रोड सात लाख अड़तालीस हज़ार रुपये का पड़ेगा आई का मैगना वेरियंट अल्ट्रॉज के एक्स एम प्लस वेरियंट से अट्ठाईस हज़ार रुपए महंगा है चलिए अब देख लेते हैं नई हिंडा आई ट्वेंटी मैगना और अल्ट्रॉज एक्सएम प्लस के डायमेंशनस को नई हिंडा आई ट्वेंटी की लेंथ पाँच एम mm एम ज़्यादा है विथ बीस एम mm एम ज़्यादा है अल्ट्रॉज से हाइट अट्ठारह एम एम कम है अल्ट्रॉज से व्हील बेस उनासी एम mm एम ज़्यादा है और अल्ट्रॉज में चौंतीस लीटर बूट स्पेस ज़्यादा मिल जाता है आई ट्वेंटी के मुकाबले यहाँ पर अभी ऑफिशियली हिंडा आई ट्वेंटी का ग्राउंड क्लियरेंस क्या आ रहा है वो सामने नहीं आया है और हिंडा आई ट्वेंटी के मैगना वेरिएंट में आपको 15 इंच के स्टील व्हील मिलेंगे वहीं अल्ट्रोज के एक्सएम प्लस वेरियंट में आपको 16 इंच के स्टील व्हील मिलेंगे यहाँ पर जो हमने दोनों गाड़ियों के वेरियंट्स को लिया है पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन में उनकी इंजन स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं दोनों ही गाड़ियों में वन लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाता है आई ट्वेंटी में ग्यारह सौ सत्तानवे सी वहीं अल्ट्रोस में ग्यारह सौ निन्यानवे सी का इंजन मिलता है आई ट्वेंटी में फोर सिलेंडर इंजन मिलता है और अल्ट्रॉस में थ्री सिलेंडर इंजन मिल जाता है हिंडा आई ट्वेंटी का इंजन 83 थ्री की पावर और 150 हंड्रेड का टॉक जनरेट करता है वहीं अल्ट्रॉज का इंजन 86 सिक्स की पावर और वन हंड्रेड का टॉक जनरेट करता है दोनों ही गाड़ियाँ फाइव स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में आती हैं लेकिन फ्यूल इफिशियंसी के मामले में नई हिंडा आई ट्वेंटी आगे है नई हंडा आई ट्वेंटी का माइलेज ट्वेंटी पॉइंट थ्री फाइव क्लेम किया जाता है वहीं अट्ट्रॉस का माइलेज नाइनटीन पॉइंट क्लेम किया जाता है चलिए अब बात कर लेते हैं अल्ट्रोज में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स के बारे में टाटा अल्ट्रॉज में आपको बेसिक सेफ्टी फीचर्स जैसे डुअल एयरबैग्स ए बी एस विथ ईबी डी हाई स्पीड अलर्ट रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आइसोफिक चाइल्ड सीट जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं इसके अलावा इसको ग्लोबल एन कैप क्रैश टेस्ट में फाइव स्टार रेटिंग मिली है यानी एक सेफेस्ट हैचबैक है इसके अलावा सेफ्टी में आपको इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटोडोर अनलॉक स्पीड सेंसिंग ऑटोडोर लॉक रिमोट सेंट्रल लॉकिंग आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर चाइल्ड सेफ्टी लॉक ऑन रियर डोर्स देखने को मिल जाते हैं इसमें मिलने वाले कुछ फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको एडजस्टेबल फ्रंट हेड्रेस मिल जाएंगे फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा साथ ही स्टीयरिंग व्हील पर आपको ऑडियो कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे चारों ही पावर विंडोज मिल जाएंगी 90 डिग्री पर खुलने वाले चारों डोर्स मिल जाएंगे फ्रंट पावर आउटलेट यहाँ पर आपको मिल जाएगा अम्ब्रेला होल्डर्स मिल जाएंगे आपको फ्रंट डोर में मैनुअल एसी आपको इसमें मिल जाएगा और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओ आर बी पर आपको देखने को मिल जाएंगे साथ ही इस गाड़ी में मल्टीपल ड्राइव मोड्स का ऑप्शन भी मिल रहा है बेस वेरिएंट से ही आपको ये देखने को मिल जाता है एंटरटेनमेंट के फ़ीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी में आपको सेवन इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा हरमन साउंड सिस्टम के साथ साथ ही ये एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो की कनेक्टिविटी के साथ आएगा लुक्स की बात करें तो इसमें आपको 16 इंच के स्टील व्हील मिल जाते हैं व्हील कवर्स के साथ यहाँ पर आपको बॉडी कलर्ड बम्पर मिलते हैं लेकिन ओ आर पियानो ब्लैक ही मिलेंगे अल्ट्रॉस के मिसिंग फ़ीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक ए रियर पार्किंग कैमरा रियर यू चार्जर रियर ए सी फॉग लैंप डे नाइट आया ऑटो हैड लैंप और कूल ग्लोब बॉक्स मिसिंग फ़ीचर्स में से हैं चलिए अब बात कर लेते हैं नई हिंडा आई ट्वेंटी मैगना वेरियंट के फीचर्स के बारे में सेफ्टी में है यहाँ पर आपको सभी स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के अलावा प्रोजेक्टर फॉग फॉगलैम्स डे नाइट आई आर वी एम्स रिमोट सेंट्रल लॉकिंग इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटोडोर अनलॉक स्पीड सेंसिंग ऑटोडोर लॉक और, और फंक्शनल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओ आर वी एम्स मिल जाएंगे ऑल फोर पावर विंडोज मिल जाएंगी फिक्स्ड फ्रंट आर्मरेस्ट मिल जाएगा उसके अंदर आपको स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगी मैनुअल एसी मिलेगा रियर एसी वेंट्स के साथ कूल ग्लव बॉक्स यहाँ आपको मिल जाएगा टिल्ट और टेलेस्कोपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा रियर यूएसबी चार्जर मिल जाएगा सामने भी आपको यूएसबी पोर्ट इसमें मिलेगा लेकिन वो यूएसबी चार्जर नहीं है एंटरटेनमेंट के फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको बेसिक ऑडियो सिस्टम मिलता है फोर स्पीकर्स और टू ट्विटर्स के साथ यहाँ पर आपको ऑडियो के कंट्रोल स्टेयरिंग व्हील पर देखने को मिल जाते हैं लुक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको बॉडी कलर बम्पर और ओ मिल जाएंगे यहाँ पर नीचे जो फॉग लैंप है उधर साइड में आपको एल ई देखने को मिलेंगी हेडलाइट के ऊपर जो एल ई हैं वो टॉप एंड वेरियंट्स में आपको मिलती हैं इसमें आपको 15 इंच के स्टील व्हील मिलेंगे व्हील कवर्स के साथ आई ट्वेंटी के मिसिंग फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट, ऑटो फोल्डिंग ओ आर वी एम्स ऑटो हेडलैम्प का फीचर मिसिंग है चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के कॉमन की फीचर्स के बारे में दोनों ही गाड़ियों में आपको कीलेस एंट्री मिल रही है स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मिल जा रहे हैं ऑल फोर पावर विंडोज मिल रही हैं इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओ मिल रहे हैं स्टेयरिंग व्हील पर ऑडियो कंट्रोल्स मिल रहे हैं और स्टील व्हील मिल रहे हैं व्हील कवर्स के साथ में अब बात कर लेते हैं नई हिंडा आई ट्वेंटी मैग्ना वेरियंट के कुछ यूनिक फीचर्स के बारे में यहाँ पर आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल स्टेयरिंग व्हील मिलता है वहीं अल्ट्रोज़ में आपको खाली टिल्ट एडजस्टेबल स्टेयरिंग व्हील मिलता है यहाँ पर आपको एल ई देखने को मिल जाती हैं, बॉडी कलर्ड बम्पर और ओ आर यहाँ मिल जाते हैं फोर स्पीकर्स के साथ टू ट्विटर्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं इस गाड़ी में आपको रियर एसी सी भी मिल रहे हैं फ्रंट और रेयर में स्पीकर यहाँ मिल रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्यूल गेट ओपन भी यहाँ आपको मिलेगा फ्रंट प्रोजेक्टर फॉकलैम्प यहाँ मिल जाएंगे और सन होल्डर यहाँ पर मिल जाएगा ये यूनिक फीचर्स थे हिंडा आई के वहीं अल्ट्रॉस के एक्सएम प्लस वेरियंट में मिलने वाले यूनिक फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा टू स्पीकर्स के साथ 16 इंच के स्टील व्हील मिल रहे हैं स्टाइलिश व्हील कवर्स के साथ जबकि आपको आई ट्वेंटी में फिफ्टीन इंच के स्टील व्हील मिल रहे थे यहां पर आपको इलेक्ट्रिकली और इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ओ मिल रहे हैं इसमें आपको मूड लाइटिंग भी मिल जाती है लेकिन वो ड्राइवर साइड के फुटवेल पर ही मिलेगी मल्टी ड्राइव मोड्स यहाँ आपको मिलते हैं जो कि i20 में मिसिंग है टाटा अल्ट्रॉस के XM प्लस में सेफ्टी रिलेटेड फीचर्स फंक्शन रिलेटेड फीचर्स और लुक्स रिलेटेड फीचर्स ज़्यादा हैं आई ट्वेंटी के मुकाबले हालांकि ऑल ओवर लुक में ज़्यादा स्लीक और स्टाइलिश लुक देती है नई हिंडा आई ट्वेंटी दोनों ही गाड़ियों के प्राइस में अट्ठाईस हज़ार रुपये का डिफरेंस है और फीचर्स तो आपने देख ही लिए अब आप अपने बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से दोनों में से सही गाड़ी चुन सकते हैं इन दोनों ही गाड़ियों में इनके प्राइस रेंज के हिसाब से फीचर का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही स्मार्ट तरीके से किया गया है हालांकि इन दोनों ही गाड़ियों के कंपैरिजन के बाद टाटा अल्ट्रॉज कुछ प्लस पॉइंट से आगे है उन प्लस पॉइंट में हम काउंट करते हैं सेवन इंच के फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम सिक्सटीन इंच के स्टील व्हील विथ व्हील कवर्स और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओ को यहां पर आपको मल्टी ड्राइव मोड्स और सेफ्टी के कई सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे और आपको इन दोनों ही गाड़ियों में कौन सी गाड़ी ज्यादा पसंद है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग